Hello students, so today we are starting the chapter of laws of motion. ठीक है, और इस chapter में मैंने NCERT, SLRR, प्रदीप, ABC, ये जितनी भी books हैं उन सब के best points यहाँ पर collect करे हैं, और plus HC वर्मा सर की जो concept of physics है उस book से भी जो points यहाँ इन books में missing थे उन points को भी यहाँ पे include किया है. ठीक है, तो now let us start. The topic is force. ठीक है, फोर्स कैसे डिफाइन करते हैं, क्लास नाइन्थ में पढ़ी थी डेफिनेशन, पुश एंड पुल याद आ रहा है. इट इज डिफाइंड एज एन एजेंसी और पुश एंड पुल. ठीक है, एजेंसी का मतलब होता है कोई ऐसा एक्सटर्नल एजेंट जो कि फोर्स लगा रहा है. ठीक है, तो इट इज डिफाइंड एज एन एजेंसी अ पुश और अ पुल विच कैन, क्या क्या इफेक्ट कर सकता है, विच कैन चेंज मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी. ठीक है, डायरेक्शन ऑफ मोशन यानी डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट. अगर मैं फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट को मिला करके एक पॉइंट लिखना चाहूं तो मैं क्या बोलूंगा, चेंज इन वेलोसिटी, क्योंकि वेलोसिटी में बहुत चीज आ जाएंगी, दोनों चीजें कि मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन. ठीक है, तो इफेक्टिवली दीज आर टू पॉइंट्स कि वेलोसिटी चेंज कर देता है एंड शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट चेंज कर देता है. ठीक है, हो सकता है कि इनमें से कोई एक ही चीज़ को चेंज करे, हो सकता है कि दोनों को चेंज करे. फॉर एग्जाम्पल, चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, जैसे सपोज यू आर मूविंग इन अ कार एंड तुमने कार में ब्रेक लगाया, कार को एक्सेलरेट किया. ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर वो उस बॉडी का वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज हो गया, इवन दो डायरेक्शन चेंज नहीं हुआ हो फिर भी. अच्छा, डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज करना, तुम दौड़ रहे थे ग्राउंड पे. ठीक है, अब ग्राउंड पे दौड़ते दौड़ते तुमको सडनली डायरेक्शन चेंज करना पड़ा. ठीक, तुमने राइट हैंड पे एक टर्न लिया, तो दैट मीन्स कि तुम्हारा मोशन का डायरेक्शन चेंज हो गया, इवन दो हो सकता है कि तुमने स्पीड चेंज नहीं करी हो. ठीक है, या एक बॉल जा रही थी, बॉल दीवार से टकरा करके सडनली मुड़ गई. ठीक, तो इस तरह के एग्जांपल ले सकते हैं. शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट, एक रबर बॉल है, उसको तुमने दबा दिया, उसकी शेप चेंज हो गई, पहले वो स्फेरिकल था, उसके बाद दब करके वो एक ओवल शेप हो गया. ठीक है, तो इस तरह का शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट भी चेंज हो सकता है. बहुत बार होता है कि हमारा, हमने ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाया और वो अपनी शेप से थोड़ा सा डिस्टॉर्ट हो गया. ठीक, तो दिस इज द इंट्रोडक्शन टू फोर्स. नेक्स्ट, अब सबसे पहले हम लोग लॉज ऑफ मोशन की जब बात कर रहे हैं तो हमारे लिए तो इम्पॉर्टेंट है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, लेकिन उससे पहले कुछ हिस्ट्री है जिसको कि हम थोड़ा सा देख लेंगे एक लाइन में. तो एरिस्टोटेलियन लॉ ऑफ मोशन, एरिस्टोटल ने क्या बोला था, एरिस्टोटल कब का आदमी था, 350 BC. ठीक है, थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए, BC यानी कि बिफोर द क्रिस्ट, 350, ये तो बहुत पहले की बात है ये. तो उन्होंने क्या बोला था, एन एक्सटर्नल फोर्स इज नेसेसरी टू कीप अ बॉडी मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी. ठीक है, अगर तुम एक लेमैन से पूछो, एक जनरल किसी भी आदमी से पूछो, सपोज कोई पढ़ा लिखा नहीं है, उससे पूछो कि अगर मुझे एक बॉडी को कांस्टेंट स्पीड से मूव कराना हो तो उस पर फोर्स लगाना पड़ेगा, तो उसका क्या आंसर होगा, बोलेगा यस, लगाना पड़ेगा, क्योंकि हमारे डेली लाइफ में ऐसे ही होता है. एक बॉल है, उसको तुम अगर फेंक करके छोड़ते हो तो वो कुछ दूर जाके रुक जाती है, जब तक कि कांस्टेंट फोर्स नहीं लगाओगे चलेगी नहीं. कार है, कार पे कांस्टेंटली फोर्स लगाना पड़ता है तब जा करके वो कांस्टेंट वेलोसिटी चलती है. ठीक है, अगर उसका हम एक्सेलरेटर पुश करना छोड़ दें तो आफ्टर सम डिस्टेंस जा करके वो रुक जाती है. तो ये उसने कॉमन ऑब्जर्वेशन से ये चीज़ बोली थी. फिर बाद में गैलीलियो आए. ठीक है, ये कौन सा ईयर है, 1564 1642. ठीक है, इसको इंडियन हिस्ट्री से ज़रा कंपेयर करो, ये इंडिया में कौन सा ईयर रहा होगा, कौन सा ज़माना रहा होगा, ये मुगल वाला ही रहा होगा. ठीक है, जब हुमायूं, बाबर, अकबर वाला टाइम है. ठीक, तो ये इनका लाइफ पीरियड है, 1564 का बर्थ है, 1642 का उनका डेथ है. ठीक, तो नाउ उन्होंने क्या बोला, अ बॉडी मूविंग विद अ सर्टेन स्पीड अलोंग अ स्ट्रेट लाइन पाथ विल कंटिन्यू टू मूव विद सेम स्पीड अलोंग द सेम स्ट्रेट पाथ इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स. एक्सटर्नल फोर्स अगर नहीं हो तो बॉडी अपनी सेम स्पीड से और सेम स्ट्रेट लाइन पाथ पर मूव करती है, यानी कि डायरेक्शन भी चेंज नहीं करती, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी भी चेंज नहीं होता है. ठीक है, तो इन्होंने जो बोला, फिर बाद में न्यूटन ने भी यही चीज़ अपने फर्स्ट लॉ में बोला. ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट पेज पर. तो सबसे पहले हम इनर्शिया को डिफाइन करते हैं. व्हाट इज इनर्शिया, डेफिनेशन क्या है इसकी, द इनहेरेंट प्रॉपर्टी, ध्यान रखना इनहेरेंट प्रॉपर्टी, ऐसा नहीं लिखा है द फोर्स या कुछ इस तरह का, द इनहेरेंट प्रॉपर्टी या टेंडेंसी भी बोल सकते हैं उसको, ऑफ अ बॉडी बाई वर्च्यू ऑफ विच इट कैन नॉट चेंज बाई इट्सेल्फ. क्या चीज चेंज नहीं कर सकता बाय इटसेल्फ, इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन. ठीक है, इन अ स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड इनर्शिया.
फिर से देखते हैं, इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, वो क्या नहीं कर सकता है, वो अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट या यूनिफॉर्म मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, इसको चेंज नहीं कर सकता। यूनिफॉर्म मोशन में अगर वो मोशन में है तो मोशन में रहेगा सेम वेलोसिटी से, और रेस्ट पर है तो वो रेस्ट पर रहेगा, अनलेस इट इज एक्टेड अपॉन बाय एन एक्सटर्नल फोर्स। ठीक, तो दिस प्रॉपर्टी, इनहेरेंट प्रॉपर्टी, जिसकी वजह से वो अपने स्टेट ऑफ मोशन में चेंज को अपोज करता है, दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड इनर्शिया। देर आर थ्री टाइप्स ऑफ इनर्शिया, क्लास 9 में पढ़ा हुआ है, इसलिए इस पर हम ज़्यादा टाइम नहीं स्पेंड करेंगे। इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तुम बस में खड़े हो, ठीक है, मैंने तीनों एग्जाम्पल बस के लिए हैं। एग्जाम्पल सोचो कि तुम बस में खड़े हुए हो और बस अभी रुकी हुई है, बस सडनली चलनी शुरू कर जाए, तो अगर तुमने कोई सपोर्ट नहीं लिया होगा तो तुम किस डायरेक्शन में गिरते हो, बस के जिस मोशन के डायरेक्शन के अपोजिट में, जिधर बस चलना शुरू कर रही है तुम उसके पीछे गिरते हो, ठीक है, तो यू फॉल बैक। तो दिस इज एग्जाम्पल ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट। ठीक, क्यों होता है ऐसा, क्योंकि तुम्हारे जो फीट हैं दे आर इन द कॉन्टैक्ट ऑफ द फ्लोर ऑफ द बस, तो जब बस मूव करी, फ्लोर मूव किया, तो वहाँ फ्रिक्शन की वजह से तुम्हारे फीट पर एक फोर्स लगा फॉरवर्ड, बट तुम्हारी अपर पार्ट ऑफ द बॉडी जिस जहाँ तक वो सडनली वो फोर्स ट्रांसफर नहीं हो पाया है, तो वो पीछे की तरफ रह गई बिकॉज ऑफ इनर्शिया, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, बिकॉज इट वॉज इन द रेस्ट। ठीक, तो तुम्हारा बॉडी में एक डिसबैलेंस हो गया, तुम्हारा अपर पार्ट तो अपने रेस्ट पे ही रह गया वहीं का वहीं, और बॉटम पार्ट फुट क्या हो गया, आगे बढ़ गया। ठीक है, इनर्शिया ऑफ मोशन क्या होता है, अ मैन फॉल्स इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन व्हेन बस सडनली स्टॉप्स। अब ये एग्जांपल है कि बस चल रही थी 40 की स्पीड से, सडनली ब्रेक लगा दिया ड्राइवर ने, ठीक, तो बस तो रुक गई, बस के कॉन्टैक्ट में फ्लोर है, फ्लोर रुक गया, फ्लोर के कॉन्टैक्ट में तुम्हारे फीट हैं, उन पर फ्रिक्शन लगा, वो रुक गए, बट योर अपर पार्ट ऑफ द बॉडी वॉज इन द मोशन। ठीक, तो बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ मोशन वो क्या है, उसकी टेंडेंसी, इट वॉन्ट टू कंटिन्यू एट द सेम वेलोसिटी, तो तुम्हारा अपर पार्ट आगे मूव कर रहा है, क्या हो गया, तुम गिर गए आगे की तरफ। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन क्या है, अगर सपोज तुम वही एग्जांपल लो, बस में तुम खड़े हुए हो और बस सडनली टर्न लेती है, ठीक है, 90 डिग्री राइट हैंड टर्न। ठीक, तो राइट हैंड पे अगर वो टर्न ले रही है तो तुम किस तरफ गिरते हो, तुम लेफ्ट हैंड, यानी कि जो तुम्हारा मोशन हो रहा है, तो मैं देखो डायग्राम बना रहा हूँ, सपोज ऐसा टर्न है, तो इस ये एक सर्कुलर टर्न मानते हैं, तो उसका एक सेंटर यहाँ पर होगा, सेंटर यहाँ पर कहीं होगा, तो सेंटर की डायरेक्शन से अपोजिट तुम फॉल करते हो, ठीक है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में तुमको ऐसा लगता है कि कोई उधर की तरफ पुल कर रहा है। तो यहाँ पे क्या हुआ, अ मैन सिटिंग इन अ बस, सिटिंग हो या स्टैंडिंग हो, इन अ बस एक्सपीरियंसेस अ सडन फोर्स व्हेन बस टेक्स अ शार्प टर्न। अब वो फोर्स किधर की तरफ लगता है, अपोजिट टू द टर्न, अपोजिट टू द सेंटर ऑफ द टर्न। ठीक है, इसका बहुत डिटेल हम लोग बाद में पढ़ेंगे जब हम सेंट्रिपिटल सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट, लीनियर मोमेंटम, व्हाट इज लीनियर मोमेंटम, द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, m इंटू वी, दिस प्रोडक्ट इज डिफाइंड एज मोमेंटम ऑफ अ बॉडी। ठीक है, इसके बारे में पॉइंट पढ़ लो, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर है तो फिर इसका मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन होगा, मैग्नीट्यूड क्या हो गया m इंटू वी, डायरेक्शन क्या हो गया, जो वेलोसिटी का डायरेक्शन है वही p का डायरेक्शन है। इट्स यूनिट इज किलोग्राम मीटर पर सेकेंड और न्यूटन सेकेंड, न्यूटन सेकेंड कैसे होगा वो हम अभी आगे चल के देखेंगे। नेक्स्ट, ये बताओ कि अगर मैं तुमसे कहूँ कि एक बॉडी है उसका मोमेंटम वर्सेस मास का हमें ग्राफ चाहिए, ठीक है, तुम्हारे सामने फॉर्मूला है p इक्वल टू एम वी, तो तुमने देखा कि p क्या हो रहा है, प्रोपोर्शनल टू मास है, प्रोपोर्शनल होता है तो ग्राफ कैसा बनता है, स्ट्रेट लाइन बनता है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ बना दिया। ठीक, तो ये हो गया p इज इक्वल्स टू एम वी के अकॉर्डिंग p एंड m का रिलेशन। लेकिन एक चीज़ ध्यान दो, यहाँ पर जब मैंने प्रोपोर्शनलिटी यूज़ करी है, इसका मतलब मैंने एक वेरिएबल जो हमारा ये v था, v को गायब कर दिया, v को हमने गायब कर दिया, तो वो v क्या है, दैट इज़ प्रोपोर्शनल कॉन्स्टेंट ऑफ द प्रोपोर्शनलिटी। ठीक, तो v को कॉन्स्टेंट होना होगा तभी हम ये रिलेशन लिखते सकते हैं, p इज प्रोपोर्शनल टू m, p इज इक्वल्स टू एम वी इज ट्रू, बट वहाँ से अगर हम ये कंक्लूजन ले रहे हैं कि p इज प्रोपोर्शनल टू m, तो दिस इज अंडर द कंडीशन दैट v इज कॉन्स्टेंट, तो ये हमारा स्ट्रेट लाइन ग्राफ कब ट्रू होगा, जब v इज कॉन्स्टेंट, अंडर द कंडीशन दैट वेलोसिटी इज एज्यूम्ड टू बी कॉन्स्टेंट, देन p एंड m का ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा। सिमिलरली पी वी की बात करते हैं, पी जी इक्वल्स टू एम वी है, अब यहाँ से अगर मैं कहूँ कि पी इज प्रोपोर्शनल टू वी, तो क्या अंडरस्टूड होगा, कि ये जो m हमने गायब किया है, दिस m इज योर कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, और इसका ग्राफ कैसा बनेगा, इसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन बन जाएगा, और उसमें हम क्या लिखेंगे कंडीशन, कि m इज कॉन्स्टेंट, अगर m को एज्यूम करेंगे कॉन्स्टेंट तभी ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा।
ठीक। अच्छा वी और एम का ग्राफ देखो, वी और एम के लिए क्या करें, इसके लिए एक रिलेशन पी इक्वल्स टू एम वी है ना तुम्हारे सामने, तो अब यहाँ पर वी इक्वल्स टू देखो, वी इक्वल्स टू वन अपॉन पी इंटू एम, ठीक। इस सेकेंड यहाँ पे गड़बड़ हो गया, वी इक्वल्स टू पी अपॉन एम, वी इक्वल्स टू पी इंटू वन अपॉन एम। अब मैं अगर कहूँ कि वी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एम है, तो ये क्या अंडरस्टूड है कि हमने क्या एज्यूम किया हुआ है, एज्यूम किया हुआ है कि पी इज कांस्टेंट, ठीक है। तो अंडर द एजम्पशन कि पी इज कांस्टेंट, अच्छा वी प्रोपोर्शनल टू वन बाई एम, इसका ग्राफ कैसा होता है, तो इसका ग्राफ मैथ में तुम लोगों ने सीखा होगा कि कुछ इस तरह का होता है, इसको रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोलते हैं, ठीक है। ये तुमने वाई इक्वल टू वन अपॉन एक्स का ग्राफ देखा है, उसी शेप का ये ग्राफ होगा। और यहाँ पे क्या अंडरस्टूड है, यहाँ पर अंडरस्टूड है कि पी इज कांस्टेंट, ठीक, दिस इज द अजम्पशन, तभी ऐसा होगा ग्राफ, ठीक। तो ये ग्राफ कभी कभी एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इनका ध्यान रखना कि ग्राफ कैसे बने। नेक्स्ट न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ क्या बोलता है, सबने पढ़ा हुआ है नाइन्थ क्लास में और बहुत अच्छे से याद भी किया हुआ है। अ बॉडी कंटिन्यूज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन स्ट्रेट लाइन अनलेस इट इज एक्टेड अपॉन बाई सम एक्सटर्नल फोर्स टू चेंज दैट स्टेट, ठीक। यहाँ पे मैंने जो हाईलाइट किया है वो ब्लू कलर से लिखा है, देखो जरा क्या है, बॉडी कंटिन्यूज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट, दो बातें हैं, या तो स्टेट ऑफ रेस्ट में कंटिन्यू रहेगी या मूव कर रही है, तो यूनिफॉर्म मोशन इन स्ट्रेट लाइन, यूनिफॉर्म मींस वेलोसिटी उसकी चेंज नहीं हो रही है, ना तो डायरेक्शन में ना मैग्नीट्यूड में। अनलेस कब तक ऐसा रहेगा, अनलेस इट इज एक्टेड अपॉन बाई सम एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स एक्ट करेगा तभी ये चेंज हो सकते हैं। अच्छा इतनी लंबी सी डेफिनेशन नहीं लिखनी हो तो छोटी सी डेफिनेशन देख लो, और ये मैंने एच सी वर्मा वाली बुक से ली है। द एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विल बी जीरो, ए इज इक्वल्स टू जीरो, ए इज इक्वल्स टू जीरो का मतलब हो गया कि स्टेट ऑफ रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, यूनिफॉर्म मोशन में है स्ट्रेट लाइन पे तो वो वैसे रहेगी, ठीक है। तो इतने लंबे से सेंटेंस को छोटा सा कर दिया, एक्सेलरेशन इज जीरो इफ एंड ओनली इफ नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट इज जीरो, ठीक है। बात वही है जो ऊपर लंबे से सेंटेंस में बोली थी, यहां पर हमने क्या कर दिया छोटे से सेंटेंस में, और छोटा करना है ये देखो, इफ समेशन एफ इक्वल टू जीरो, समेशन क्या होता है, ये होता है सम, एफ वन प्लस एफ टू प्लस एफ थ्री, सारे फोर्स एड कर दिए वेक्टोरियली और नेट फोर्स आ गया जीरो, ठीक है। तो इससे क्या इंप्लाई होगा, इससे इंप्लाई होगा कि एक्सेलरेशन इज जीरो, ठीक। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा है कि एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विल बी जीरो इफ एंड ओनली इफ नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट इज जीरो, ठीक है। तो ये बात लिख दी, और ये क्या है डबल इंप्लाई, ये क्या कहता है, ये बोथ वे इंप्लाई करता है कि अगर एफ इक्वल टू जीरो है तो ए इक्वल टू जीरो होगा, अगर ए इक्वल टू जीरो है तो एफ इक्वल टू जीरो होगा, ठीक है। नेट एक्सटर्नल फोर्स, हो सकता है कि उस पर फोर्सेज लग रहे हो बॉडी पर लेकिन उनका वेक्टर सम जीरो होना चाहिए, ठीक। नेक्स्ट नोट, नोट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो कई बार ऐसा होता है कि तुम्हारे जेई में रीजन असर्शन क्वेश्चन आ जाते हैं, या ऑब्जेक्टिव में भी कॉन्सेप्ट बेस्ड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाते हैं, वहाँ पे ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो पहला पॉइंट मैंने क्या लिखा है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ डिफाइंस इनर्शिया, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन आ जाए विच लॉ डिफाइंस द कॉन्सेप्ट ऑफ इनर्शिया, तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, और न्यूटन्स फर्स्ट लॉ एक और चीज़ डिफाइन करता है, इट डिफाइंस द इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। ये इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, तो देखो डेफिनेशन क्या है इसकी, द रेफरेंस फ्रेम इन विच न्यूटन्स फर्स्ट लॉ इज वैलिड इज कॉल्ड इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम। अच्छा ये तो क्या, ये तो गोल गोल बात हो गई, न्यूटन फर्स्ट लॉ ने डिफाइन किया इनर्शियल फ्रेम को, इनर्शियल फ्रेम की डेफिनेशन है कि द रेफरेंस फ्रेम इन विच न्यूटन फर्स्ट लॉ होल्ड्स, ठीक है। इसको जरा समझाते हैं, इसको तुमने रेफरेंस फ्रेम मेरे काइनेमेटिक्स के लेक्चर में देखा हुआ है, मैंने वहाँ पे डिफाइन किया था कि रेफरेंस फ्रेम क्या होता है, ठीक है। शॉर्ट में बताऊँ तो एक हम ऑरिजिन लेते हैं, वहाँ पे एक्स वाई जेड एक्सिस ले लेते हैं, और उस कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन को, उसके कोऑर्डिनेट्स को, उसके मोशन में डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये सब उस ऑरिजिन और उस एक्स वाई जेड एक्सिस के रेफरेंस में हम स्टडी करते हैं, ठीक है। दैट इज कॉल्ड रेफरेंस फ्रेम। अब कोई रेफरेंस फ्रेम इनर्शियल है कि नहीं है, तो देखो कैसे डिफाइन होता है। अगर मैं एक एग्जांपल लूँ, सपोज तुमने एक ट्रांसपेरेंट एक ग्लास का जार लिया, ठीक है, एक बॉक्स लिया, उसके अंदर तुमने एक एक फ्लाई को रख दिया, ठीक है। एग्जांपल मैंने एच सी वर्मा सर की बुक से लिया है, ठीक है, उसमें एक फ्लाई को बंद कर दिया, और वो फ्लाई जो है वो है फिजिसिस्ट, ठीक है, उसको फिजिक्स की नॉलेज है, उसको पता है कि रेफरेंस फ्रेम क्या होता है, ठीक।
तो अब ये तुम जो है अपने घर के छत पे चले गए, तुम सपोज 20th फ्लोर पे रहते हो, 20th फ्लोर, 20 फ्लोर का तुम्हारा बिल्डिंग है, वहाँ पे छत से तुमने इस जार को नीचे गिरा दिया, ठीक है, तुमने इसको ड्रॉप किया, और उसके साथ साथ साइमल्टेनियसली यू ऑल्सो ड्रॉप्ड वन स्टोन, ठीक है, एक ये स्टोन है इसको तुमने ड्रॉप किया, और साथ में वो जार जिसमें कि वो फ्लाई अंदर बंद है। अच्छा, अब वो इसको बिकॉज ट्रांसपेरेंट जार है तो ट्रांसपेरेंट में क्या होगा कि उसको बाहर का दिख रहा होगा। अब दोनों को तुमने साथ साथ छोड़ा है तो सेम टाइम में दोनों सेम डिस्टेंस फॉल करेंगे टूवर्ड्स द ग्राउंड, तो हमेशा क्या होगा उस फ्लाई के सामने वो जो स्टोन है वो स्टोन हमेशा उसके सामने एग्जैक्टली सेम लोकेशन पे रहेगा। अगर वो अपने उसने रेफरेंस एक्सिस बनाए होंगे फ्लाई ने, तो वहाँ से उसके जो स्टोन के कोऑर्डिनेट्स होंगे वो चेंज ही नहीं हो रहे होंगे, तो वो फ्लाई क्या कहेगी कि दिस स्टोन इज स्टेशनरी, ठीक है, इट इज़ एट रेस्ट, इट एंड इट इज ऑलवेज एट रेस्ट, ठीक है, कंटिन्यूअसली वो एट द सेम पोजिशन है। अच्छा, लेकिन अगर तुम एनालिसिस करो तो इस स्टोन पर फोर्स तो लग रहा है, फोर्स क्या लग रहा है, डाउनवर्ड mg, ग्राउंड का जो अर्थ का जो mg फोर्स है वो लग रहा है, तो समेशन एफ तो जीरो है नहीं, समेशन एफ तो उसका mg के इक्वल नेट फोर्स लग रहा है, लेकिन ऑब्जर्वर ने देखा कि ये इट इज कंटिन्यूअसली एट रेस्ट, कंटिन्यूअसली एट रेस्ट है तो वेलोसिटी जीरो है, और जीरो कॉन्स्टेंट जीरो है, कॉन्स्टेंट वेलोसिटी है तो एक्सेलरेशन जीरो है। अब यहाँ पे क्या हुआ, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ फेल हो गया, एफ तो नॉन जीरो है और एक्सेलरेशन जीरो आ गया, जबकि फर्स्ट लॉ कहता है कि एफ जीरो होगा तो ए जीरो होगा, ए जीरो होगा तो एफ जीरो होगा, ठीक। तो ये ऐसा रेफरेंस फ्रेम है, इस फ्लाई का जो रेफरेंस फ्रेम है वो ऐसा है जिसमें कि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ फेल हो गया, तो हम बोलेंगे कि ये जो फ्रेम है दिस इज नॉन इनर्शियल फ्रेम, दिस इज नॉट अ इनर्शियल फ्रेम, ठीक। इनर्शियल फ्रेम अगर होता तो एफ इक्वल टू जीरो होने से ए इक्वल टू जीरो होता, ठीक। अच्छा, तो अगर अगर हम ये कहें कि कोई अगर रेफरेंस फ्रेम, यहाँ पे क्या है कि जो जो रेफरेंस फ्रेम है वो खुद फ्री फॉल कर रहा है, उसमें खुद एक्सेलरेशन है, ठीक है, फ्लाई का जो रेफरेंस फ्रेम है, फ्लाई जिस जार में बंद है वो जार भी तो नीचे की तरफ गिर रहा है, तो वो जो जार है या वो रेफरेंस फ्रेम है वो खुद एक्सेलरेटेड है। तो तुम एक सिंपल लैंग्वेज में ही समझ सकते हो कि इनर्शियल फ्रेम जो होता है वो नॉन एक्सेलरेटेड होता है, उसका खुद का एक्सेलरेशन जीरो होता है। अगर वो एक्सेलरेटेड हो गया तो फिर रेफरेंस फ्रेम इनर्शियल नहीं रहेगा, फिर वो नॉन इनर्शियल हो जाता है, ठीक है। तो वहां पर हम न्यूटन फर्स्ट लॉ, न्यूटन सेकेंड लॉ ये सब नहीं लगा सकते हैं, ठीक। तो इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम अगर सिंपल वर्ड्स में समझना है तो ऐसा रेफरेंस फ्रेम जिसका खुद का एक्सेलरेशन जीरो हो, ठीक। अच्छा, एक बात और बताओ, अगर मैं अपने रूम में एनालिसिस कर रहा हूँ, ठीक है, मैंने एक टेबल पर एक्सपेरिमेंट चल रहा है जिसमें कि कोई पार्टिकल मूव कर रहा है, उस पर फोर्सेस लग रहे हैं, उसका एक्सेलरेशन है, हम स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, उसके कोऑर्डिनेट्स वगैरह नोट करके, ठीक। तो ये जो मेरी टेबल है और टेबल पे जो स्केल लगा करके हमने एक्सिस बनाए हुए हैं वो हमारा इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम है कि नहीं है, तो तुम सोचो कि हमारा वो टेबल स्टेशनरी है, स्टेशनरी है तो एक्सेलरेशन जीरो है, तो फिर तो ये लग रहा है इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम है। लेकिन टेबल कहाँ पे है, टेबल है रूम में, रूम कहाँ पे है, रूम है हमारे अर्थ पे, अर्थ कैसा है, अर्थ तो मूव कर रही है अराउंड दी सन, और तुमने अभी लास्ट चैप्टर सर्कुलर मोशन में पढ़ा है कि कोई भी सर्कुलर मोशन करता है तो उसका एक्सेलरेशन टूवर्ड्स द सेंटर होता है, तो इसका मतलब अर्थ का एक्सेलरेशन टूवर्ड्स दी सन है, तो फिर हमारी जो टेबल है उसका भी एक्सेलरेशन हो गया, फिर तो ये एक्सेलरेटेड फ्रेम हो गया यानी नॉन इनर्शियल फ्रेम हो गया, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे देखो, अगर हम इस तरह से देखें तो कोई भी रेफरेंस फ्रेम इनर्शियल होता ही नहीं है, ठीक है, कोई भी रेफरेंस फ्रेम, क्योंकि तुम हर चीज़ में तुम किस कैसे देखोगे कि तुम रेफरेंस किसके रेफरेंस में देखोगे। अगर हम सपोज सन को रेफरेंस ले ले रहे हैं, सन हमारा ऑरिजिन है, तो सन भी तो किसी के अबाउट मूव कर रहा है, सन कौन सा स्टेशनरी है, ठीक। तो एब्सोल्यूट इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक, लेकिन फॉर ऑल प्रैक्टिकल फॉर अवर प्रैक्टिकल पर्पजेज वी कैन एज्यूम अवर रूम या रेफरेंस फ्रेम अटैच टू द ग्राउंड टू बी इनर्शियल, ठीक। तो हम न्यूमेरिकल्स करेंगे उसको हम इनर्शियल ले सकते हैं, ठीक, जो भी स्टेशनरी हमारे अर्थ के रेस्पेक्ट में हम उसको इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम ले सकते हैं, ठीक है। और हमारे अर्थ के रेस्पेक्ट में जब कोई चीज़ एक्सेलरेटेड होगी तो उसमें, अगर मान लो हम लिफ्ट में, लिफ्ट ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर रही है या डाउनवर्ड एक्सेलरेट कर रही है, ठीक, तो वो हमारी नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम होगी। कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन कर रहा है, तुमने एक स्टोन को टाई करके एक स्ट्रिंग से उसको रोटेट कराया सर्कुलर मोशन, तो वो स्टोन से अटैच्ड रेफरेंस फ्रेम खुद क्या होगा, एक्सेलरेटेड होगा, तो
वहाँ पर भी फिर वो रेफरेंस फ्रेम नॉन इनर्शियल हो गया। ठीक है, तो आगे ध्यान रखना कि ग्राउंड से अटैच्ड रेफरेंस फ्रेम को हम इनर्शियल बोलेंगे और अदर फ्रेम्स को नॉन इनर्शियल बोलेंगे। लेकिन अगर सपोज हमें सैटेलाइट लॉन्च करना है, ठीक है, या हमें एक स्पेस प्रोब भेजना है जो कि मार्स पर जा रहा है, सैटर्न पर जा रहा है, वहाँ कैलकुलेशन जब करोगे तो फिर तो तुम्हें अर्थ के एक्सेलरेशन को कंसीडर करना पड़ेगा। ठीक है, तो वहाँ पर फिर हम ये नहीं कहेंगे कि अर्थ से अटैच्ड रेफरेंस फ्रेम हमारा इनर्शियल है, फिर वहाँ पे हमें नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम लेकर के कैलकुलेशन करनी होगी। ठीक है, चलो तो ये हमारा डिस्कशन हुआ। हम लोग आगे चल करके सीरो फोर्स की बात करेंगे, वहाँ पे ये फिर से हम इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम की बात करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ न्यूटन सेकेंड लॉ। न्यूटन सेकेंड लॉ बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे, समझ लो कि इस चैप्टर के जितने न्यूमेरिकल होंगे और आगे चल करके जो भी न्यूमेरिकल होंगे ऑन द इन द चैप्टर ऑफ फ्रिक्शन, इन द चैप्टर ऑफ सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन में हम अभी फोर्स वगैरह भी इंट्रोड्यूस करेंगे, एंड फिर आगे चल करके वर्क पावर एनर्जी, उसके बाद रोटेशन, सब जगह पर हमारा न्यूटन सेकेंड लॉ यूज़ होना है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, तो इसकी कुछ बातें तो तुम्हें नाइन्थ क्लास में पता है, नाइन्थ क्लास में पढ़ा था, लेकिन हम लोग कुछ और भी डिटेल में पढ़ेंगे। तो न्यूटन सेकेंड लॉ क्या बोलता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स। फिर से देखते हैं कौन सी दो बातें हैं, एक है फोर्स और दूसरा है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ठीक है, तुमने रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को क्या करते हो, चेंज ऑफ द मोमेंटम डिवाइडेड बाई टाइम, ऐसे कर लेते हो। ठीक है, अच्छा, हमने 11th क्लास में तो ये भी पढ़ा है कि रेट ऑफ चेंज को हम dp by dt बोल सकते हैं, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वो भी रेट ऑफ चेंज होता है। तो कब ये फॉर्मूला, कब ये फॉर्मूला, मैंने अभी दोनों लिख दिए हैं। ठीक है, तो अभी आगे बात करेंगे। तो हमारा ये हुआ, प्रोपोर्शनलिटी जब हटाओगे तो कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी आ जाता है, यहाँ हटा दिया तो ये आ गया। ठीक, लेकिन यहाँ पे देखो, जब पहली बार हम फोर्स को डिफाइन कर रहे हैं तो हमारे पास चॉइस है कि हम फोर्स का ऐसा यूनिट चूज करें जिसमें कि हम के की वैल्यू 1 रखते हैं। ठीक, तो हम इस तरह से चूज करेंगे फोर्स की क्या होती है, यूनिट न्यूटन होती है, तो हम न्यूटन को इस तरह से डिफाइन करें कि के की वैल्यू 1 हो जाए। तो यूनिट ऑफ एफ इज चूजिन सच दैट के इज इक्वल टू 1, तो के 1 हो गया, तो फॉर्मूला क्या बन गया, एफ इक्वल टू डेल्टा पी बाई डेल्टा टी और एफ इज इक्वल टू डी पी बाई डी टी। ठीक, फोर्स क्योंकि डायरेक्शन है इसमें, तो ये डेल्टा पी के डायरेक्शन में होगा। डेल्टा मीन्स चेंज इन मोमेंटम। चेंज का पता है तुम्हें कि हम लोगों ने वो ट्रायंगल लॉ ऑफ सब्ट्रैक्शन देखा था। ठीक है, जो हम वेक्टर एडिशन वाले जब हमने किया था तो वहाँ सब्ट्रैक्शन भी देखा था। वहाँ पे क्या करते हैं, अगर हमें डेल्टा पी लिखना है तो डेल्टा पी क्या हो जाएगा, डेल्टा पी होगा पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। तो अगर तुम्हारे पास वेक्टर फॉर्म में पी फाइनल और पी इनिशियल हैं तो हम पी फाइनल का वेक्टर बनाएंगे और फिर पी इनिशियल को पलट करके निगेटिव ऑफ पी इनिशियल बनाएंगे और उनको ऐड कर देंगे। ठीक है, तो उस प्रोसेस से हम डेल्टा पी की डायरेक्शन निकालते हैं और वो डायरेक्शन जो होती है वही फोर्स की डायरेक्शन होती है। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि हम कब डेल्टा पी बाई डेल्टा टी यूज करेंगे और कब ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे डी पी बाई डी टी का। ठीक है, तो आंसर है, पहली चीज, अगर मेरा फोर्स वेरिएबल है, जनरल क्या होता है, जनरल केस होता है वेरिएबल फोर्स का, तो हम लोग दो केस बात करेंगे, एक फोर्स इज वेरिएबल, सेकंड फोर्स इज कांस्टेंट। तो पहले हम जनरल बात करते हैं, फोर्स इज वेरिएबल। फोर्स अगर वेरिएबल हो तो हर मूवमेंट पे चेंज हो रहा होगा। ठीक है, तो ड्यूरिंग दिस डेल्टा टी, जो हमारा डेल्टा टी टाइम है, इस डेल्टा टी टाइम में फोर्स हो सकता है कि कांस्टेंट ना रहा हो, चेंज हो रहा हो। तो फिर ये कौन सा फोर्स आएगा, अगर इस ड्यूरिंग दिस डेल्टा टी, सपोज डेल्टा टी की वैल्यू है 5 सेकेंड, 5 सेकेंड में फोर्स चेंज हुआ 2-3 बार, तो ये कौन सा फोर्स होगा, तब हम ये कहेंगे कि ये एफ एवरेज है। ठीक है, जैसे हमने एवरेज वेलोसिटी के लिए बोला था टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, तो वैसे हम फोर्स के लिए बोलेंगे एवरेज फोर्स इक्वल्स टू टोटल चेंज इन मोमेंटम अपॉन टोटल टाइम। ठीक, और अगर डीपी बाई डीटी करेंगे तो हमें क्या फोर्स मिलेगा, हमें इंस्टेंटेनियस फोर्स मिलेगा। ठीक, जिस मोमेंट पे हमने रेट देखा डीपी बाई डीटी करके, उस मोमेंट का फोर्स। सेकेंड केस जिसमें कि फोर्स कॉन्स्टेंट है। ठीक है, लेकिन इसको हम पहले एक पैरेलल एग्जांपल से समझते हैं, फिर तुमको फोर्स का बताएंगे। अगर मान लो वेलोसिटी का एग्जांपल लिया जाए और वेलोसिटी हमारी कांस्टेंट है, यानी कि किसी भी इंस्टेंट पे देखो तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज नॉट चेंजिंग। ठीक है, इन दैट केस एवरेज वेलोसिटी क्या आती है, अगर कार को तुम कॉन्स्टेंटली 40 किलोमीटर पर आवर से चला रहे हो तो एवरेज वेलोसिटी क्या आएगी, वो भी 40 किलोमीटर पर आवर आएगी। ठीक है, तो अगर कॉन्स्टेंट फोर्स होगा
तो इंस्टेंटेनियस एंड एवरेज फोर्स में क्या रिलेशन होगा, बोथ ऑफ देम विल बी इक्वल। ठीक, तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा ये जो फॉर्मूला है डेल्टा पी बाई डेल्टा टी, अभी हमने ये कहा था कि ये तो एवरेज को बताता है, लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि अगर हमारा फोर्स कॉन्स्टेंट है, इट इज़ नॉट चेंजिंग, देन ये एवरेज को भी बताएगा और ये इंस्टेंटेनियस को भी बताएगा। एग्रीड, क्योंकि कॉन्स्टेंट फोर्स के केस में एवरेज और इंस्टेंटेनियस इक्वल हो जाते हैं। ठीक, तो एक बार समराइज करें, हमारा डी पी बाई डी टी क्या बता रहा है, ये बता रहा है इंस्टेंटेनियस फोर्स, भले वो कांस्टेंट फोर्स का केस हो या वेरिएबल फोर्स का केस हो। ये फॉर्मूला अगर वेरिएबल फोर्स का केस है तो एवरेज को बता रहा है, और कांस्टेंट फोर्स का केस है तो ये एवरेज और इंस्टेंटेनियस दोनों को बता रहा है। ठीक, दिस इज द कंक्लूजन। चलो अब आगे बढ़ते हैं, न्यूटन सेकेंड लॉ समझ में आ गया अच्छे से। ये देखो एक चीज़ देखो, ये हमारे फोर्स और चेंज इन मोमेंटम दोनों वैक्टर्स हैं। ठीक, तो अब इसके आगे देखो हम लोग आते हैं प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम पर। ठीक है, न्यूटन सेकेंड लॉ, फिर ये हमारा न्यू प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ये क्या कहता है, ये कहता है कि अगर हमारा फोर्स, पहले तो हमने सेकेंड लॉ लिख दिया यहाँ पर, दिस इज द सेकेंड लॉ, एफ इज गोज टू डी पी बाई डी टी। ठीक है, और एफ कौन है सेकेंड लॉ में, जो एफ होता है जरा ये भी देख लो ध्यान से कि व्हाट इज एफ इन द सेकेंड लॉ। एफ इज द नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन द सिस्टम, यानी कि जितने फोर्सेज लग रहे हैं सब एक्सटर्नल फोर्सेज को वेक्टोरली ऐड करो तब तुम्हें जो एफ मिलेगा दैट इज दिस एफ। ठीक, नाउ इफ एफ इक्वल टू जीरो, मान लो एज्यूम कर रहे हैं एफ इज जीरो, तो क्या हो गया, डी पी बाई डी टी जीरो हो गया। ठीक है, डी पी बाई डी टी किसी भी वेरिएबल का रेट ऑफ चेंज कब जीरो होता है, जब वो कॉन्स्टेंट हो, वो टाइम के साथ चेंज नहीं कर रहा हो, तब ये जीरो होता है। तो क्या कंक्लूजन मिला, P इज कॉन्स्टेंट, इफ F इज जीरो देन P इज कॉन्स्टेंट, यानी कंजर्व हो गया लीनियर मोमेंटम, कंजर्व हो गया, इट इज नॉट चेंजिंग। ठीक, तो इसको वर्ड्स में लिखो, इफ द नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इज जीरो देन द लीनियर मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट रिमेन्स कंजर्व्ड। ठीक, क्या बात लिखा हमने, इफ नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट इज जीरो देन लीनियर मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट रिमेन्स कंजर्व्ड। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, अब आते हैं हम स्पेशल केस पर। स्पेशल केस क्या है, हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि मास ऑफ द सिस्टम इज कॉन्स्टेंट। ठीक, सेकेंड लॉ, हम न्यूटन सेकेंड लॉ निकाल रहे हैं अंडर दिस स्पेशल केस। ठीक है, न्यूटन्स सेकेंड लॉ अंडर द एजम्पशन, क्या एजम्पशन, कि मास इज कॉन्स्टेंट। तो हमने भी फॉर्मूला क्या पढ़ा था, एफ इज इक्वल टू डेल्टा पी बाई डेल्टा टी और डी पी बाई डी टी पढ़ा था, तो मैंने दोनों के लिए पैरेलल में बना दिया है। ठीक है, अगर डेल्टा पी बाई डेल्टा टी लेके चलते हैं, डेल्टा पी का क्या मतलब है, पी फाइनल माइनस पी इनिशियल, ठीक, अपॉन डेल्टा टी एज इट इज। फिर पी को कैसे लिखते हैं, मोमेंटम हमने अभी पढ़ा था एम वी होता है, तो पी फाइनल के लिए एम इंटू वी फाइनल, पी इनिशियल के लिए एम इंटू वी इनिशियल, और एम दोनों में से कॉमन ले लिया बिकॉज मास इज कॉन्स्टेंट। ठीक है, यूजुअली जनरल अधिकतर क्वेश्चंस में मास कांस्टेंट होता है, बहुत से स्पेशल केसेस में नहीं भी होता है। ठीक, तो क्वेश्चन देख लो कि मास चेंज तो नहीं हो रहा है। ठीक, तो अगर मास सेम है तो फिर तो फाइनल और इनिशियल दोनों मासेस सेम है, तो कॉमन बाहर निकाल लोगे, और ये क्या बन गया, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन डेल्टा टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होता है, एक्सेलरेशन। ठीक, तो इसको एक्सेलरेशन लिख दिया, तो हमें क्या मिल गया, एफ इक्वल टू एम ए, इस फॉर्मूले से मिल गया एफ इक्वल टू एम ए। इससे देखो डी पी बाई डी टी, इसमें पी की वैल्यू हम क्या रख दें, एम वी, पी की जगह पर एम वी रख दिया, और तुम्हें पता है डिफरेंशिएशन में से कॉन्स्टेंट टर्म बाहर आ जाता है, तो एम को बाहर कर दिया, अंदर क्या रह गया, डी वी बाई डी टी रह गया, डी वी बाई डी टी क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है, तो एफ इक्वल टू एम ए यहाँ से भी आ गया। ठीक है, तो दोनों पैरेलल हैं, तुमको कोई भी तुम इसका यूज कर सकते हो, ये ज़्यादा बेटर है क्योंकि दिस इज जनरल स्टेटमेंट। ठीक, तो हमारा न्यूटन सेकेंड लॉ का एक स्पेशल केस आ गया एफ इक्वल टू एम ए। कई बार तुम बुक्स में देखोगे तो न्यूटन सेकेंड लॉ में इसी को लिखा रहता है। ठीक, बट दिस इज अ स्पेशल केस, तो एफ इक्वल टू एम ए, एफ इज इक्वल टू डी पी बाई डी टी, दोनों का तुम यूज कर सकते हो डिपेंडिंग ऑन द कॉन्टेक्स्ट। नेक्स्ट, न्यूटन सेकेंड लॉ, न्यूटन सेकेंड लॉ इन थ्री डी कंपोनेंट फॉर्म। ठीक, एज्यूम करो कि एफ क्या है, एफ एक्स आई कैप, एफ वाई जे कैप, एफ जेड के कैप, तीनों कंपोनेंट लिख दिए हैं, मोमेंटम के भी लिख दिए पी एक्स पी वाई पी जेड, एक्सेलरेशन के भी लिख दिए ए एक्स ए वाई ए जेड। अब मैंने एफ इक्वल टू डी पी बाई डी टी लिखा, इसका एक्स कंपोनेंट क्या होगा, तो एफ का एक्स कंपोनेंट और पी का एक्स कंपोनेंट लिख दिया यहाँ पर, एफ एक्स इज इक्वल टू डी पी एक्स बाई डी टी। ठीक है, तो ये एक फॉर्मूला हो गया,
ये फॉर्मूला इंडिपेंडेंट ऑफ अदर फोर्सेज, अदर फोर्सेज मान लो हमें इंफॉर्मेशन पता नहीं है, कोई ऑब्जेक्ट है उस पर वाई डायरेक्शन में और जेड डायरेक्शन में क्या फोर्स लग रहा है हमें नहीं पता, फिर भी ये फॉर्मूला तो हम यूज कर सकते हैं अगर हमें एफ एक्स पता हो तो हम उसका, या हमें पी एक्स बताओ तो हम एफ एक्स निकाल सकते हैं, एफ एक्स बताओ तो पी एक्स निकाल सकते हैं, ठीक। यानी कि ये जो तीन फोर्स फॉर्मूले लिखे ये एक दूसरे से बिल्कुल इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं, ठीक। तुम्हें इधर की इन्फॉर्मेशन नहीं भी पता हो या पता हो तो उनको तुम अलग ट्रीट करोगे और ये अलग इन्फॉर्मेशन देगा, ठीक है। एक एग्जांपल लिया, सपोज एफ एक्स जीरो हो जाए, एक्स डायरेक्शन में नेट फोर्स जीरो है एक्स डायरेक्शन में, ठीक। तो अभी हमने जो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में क्या किया था कि ये हमारा डी पी एक्स बाई डी टी जीरो हो गया, हैंस पी एक्स इज कॉन्स्टेंट। तो ये बता रहा है कि अगर एक्स डायरेक्शन में जीरो है फोर्स तो ऑब्जेक्ट का एक्स डायरेक्शन का जो कंपोनेंट होगा मोमेंटम का वो चेंज नहीं हो सकता, चाहे एफ वाई जीरो ना हो एफ जेड जीरो ना हो, ठीक है। ऑब्जेक्ट पे फोर्स लग रहे हैं लेकिन फिर भी एक्स कंपोनेंट उसका मोमेंटम का कांस्टेंट है बिकॉज एक्स कंपोनेंट ऑफ फोर्स वाज जीरो, ठीक। तो इनका समझ में आया तुम्हें, तीनों का अलग अलग इंपॉर्टेंस है। अगर तुम फोर्स ओवरऑल ऑब्जेक्ट पे लग रहा है लेकिन केवल y और z कंपोनेंट है उस फोर्स के तो x कंपोनेंट मोमेंटम का कांस्टेंट रहेगा। सिमिलरली तुम अदर के लिए भी बोल सकते हो कि अगर एफ वाई जीरो है, एफ एक्स जीरो नहीं है, एफ जेड जीरो नहीं है, ओनली एफ वाई जीरो है तो पी वाई इज कांस्टेंट, ठीक। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कंक्लूजन, ठीक। नेक्स्ट हम आते हैं f इक्वल टू ma पर। अच्छा एक एग्जाम्पल ले लेते हैं अभी जो हमने डिस्कस किया इसका। सपोज एक ये टेबल है, टेबल पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इस ऑब्जेक्ट पर कई सारे फोर्स लग रहे हैं, ठीक। ये अलग अलग डायरेक्शन में फोर्स लग रहे हैं लेकिन सारे फोर्सेस हॉरिजॉन्टल हैं, ठीक। या वाई डायरेक्शन में भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, वाई डायरेक्शन में भी कंपोनेंट हो लेकिन टेबल पर रखा है तो टेबल क्या करेगा, टेबल उस पर नॉर्मल रिएक्शन ऐसे लगा लेगा कि उस पर लगने वाले डाउनवर्ड फोर्सेज का कंपोनेंट का सम और नॉर्मल रिएक्शन का कैंसिल आउट हो जाए, ठीक है। ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और बॉडी में कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा। तो यहाँ पे तुम कह सकते हो कि इस ऑब्जेक्ट का टेबल के प्लेन में चाहे जैसा भी एक्सेलरेशन हो लेकिन इसका वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन जीरो होगा, वाई डायरेक्शन में नेट फोर्स जीरो है एंड वाई डायरेक्शन में इसका मोमेंटम कॉन्स्टेंट रहेगा, ये बोल सकते हो, ठीक है। बात समझ में आ गई इस एग्जाम्पल से। इसी तरह से और भी किसी भी डायरेक्शन में तुम बात ये कंक्लूजन ले सकते हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं एफ इक्वल टू एम ए की। एफ को एफ का एक्स कंपोनेंट ले लिया, ए का एक्स कंपोनेंट ले लिया, एफ एक्स इक्वल टू एम ए एक्स, एफ वाई इक्वल टू एम ए वाई, एफ जेड इक्वल टू एम ए जेड, ठीक। ये भी इंडिपेंडेंटली ट्रू हैं, ठीक है। ये अलग अपने आप में ट्रू है, ये अपने आप में ट्रू है और ये अपना आइसोलेटेड वे में ट्रू है, ठीक। नेक्स्ट न्यूटन सेकेंड लॉ, इसके बारे में थोड़े से कमेंट हैं, ये पढ़ो। न्यूटन सेकेंड लॉ इज लोकल एंड इंस्टेंटेनियस। इसका क्या मतलब है लोकल और इंस्टेंटेनियस का, तो देखो इट मीन्स एक्सेलरेशन इज डिटर्मिंड हियर एंड नाउ, ठीक है। अगर तुमने एफ इक्वल टू एम ए लिखा है तो एक्सेलरेशन किसी मोमेंट पे पता करना है तो तुम फोर्स कौन सा देखोगे, एज इक्वल्स टू एफ बाई एम, तुम कौन सा फोर्स देखोगे, जिस मोमेंट का एक्सेलरेशन तुम्हें चाहिए उसी मोमेंट का फोर्स देखोगे, उससे पहले के फोर्सेज नहीं देखोगे, ठीक है। मैं अभी एग्जांपल से समझाता हूँ, ठीक है। तो आगे पहले सेंटेंस फिनिश कर लें। इट मींस एक्सेलरेशन इज डिटरमिन्ड हियर एंड नाउ नॉट बाय द अर्लियर हिस्ट्री ऑफ एक्सेलरेशन एंड फोर्सेज एक्टिंग ऑन द पार्टिकल इन द पास्ट, ठीक है। अगर सपोज तुम ट्रेन में बैठे हो, ठीक है, ट्रेन एक्सेलरेट कर रही है, ट्रेन एक्सेलरेट कर रही है एक्स डायरेक्शन में, ठीक। वर्टिकल मोशन को ले लो जेड डायरेक्शन, ठीक। तुम्हारी ट्रेन जा रही है इधर, एक्सेलरेशन है ट्रेन का सपोज 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बहुत ज़्यादा एक्सेलरेशन हो गया, कोई बात नहीं है। अच्छा तुमने अपनी ट्रेन में तुम बैठे हुए थे और ट्रेन की स्पीड बढ़ती जा रही है, तुमने एक किसी पर्टिकुलर मोमेंट पर उस अपने ट्रेन की विंडो से हाथ बाहर निकाल करके एक स्टोन को ड्रॉप किया, ठीक, स्टोन को ड्रॉप कर दिया है, स्टोन में एक हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है जिसकी वजह से हॉरिजॉन्टली भी वो आगे मूव करेगा कुछ ऐसे और वर्टिकली भी मूव करेगा बिकॉज ग्रेविटी एक्ट कर रही है, तो उसका पाथ बाहर जो आदमी खड़ा होगा उसको ऐसा दिखाई देगा, ठीक। अब ये बताओ कि इस जो तुमने स्टोन ड्रॉप किया उस स्टोन पर जो फोर्सेज लग रहे हैं वो कौन से हैं, हमें एक्सेलरेशन चाहिए इस स्टोन का तो पहले मुझे फोर्स देखने पड़ेंगे, जब हम फोर्स देखेंगे तो उससे एक्सेलरेशन मिलेगा। तो इस पर एक्ट करने वाला फोर्स किस मोमेंट पे, जब तुम उसको ड्रॉप कर चुके हो, तुम्हारे हाथ से वो निकल चुका है, उस समय क्या लग रहा है, ओनली ग्रेविटी लग रही है,
एफ इज इक्वल्स टू एम जी लग रहा है, यानी उसका एक्सेलरेशन फोर्स अपॉन मास करोगे तो जी आ जाएगा। ठीक, तो इस स्टोन का एक्सेलरेशन लोगे तो उसमें ट्रेन के एक्सेलरेशन से कोई मतलब नहीं है। ट्रेन में वो जब था तब उसका एक्सेलरेशन ट्रेन के एक्सेलरेशन के इक्वल था, जब तुम्हारे हाथ में वो था तब वो ट्रेन के एक्सेलरेशन के इक्वल एक्सेलरेशन से हॉरिजॉन्टली चल रहा था, लेकिन हाथ से ड्रॉप होते ही उस पर केवल एम जी फोर्स लग रहा है। अब इसके ये जो प्रोजेक्टाइल मोशन है जो इसका, उस मोशन में ये एक्सेलरेशन 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से इसका कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, लेकिन एक चीज़ इसको पुरानी याद रहेगी, अपनी इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी से डिपेंड करेगा इसका फ्यूचर का मोशन। तो इनिशियल वेलोसिटी वो लेके आता है, लेकिन इनिशियल वेलोसिटी सेकेंड लॉ में तो आती नहीं है। सेकेंड लॉ तो फोर्स और एक्सेलरेशन को रिलेट करता है, तो सेकेंड लॉ इज हियर एंड नाउ। समझ में आ गया? एक और एग्जाम्पल लेते हैं। तुमने सपोज एक प्रोजेक्टाइल को, यानी कि एक स्टोन को थ्रो किया एज ए प्रोजेक्टाइल। तुमने उसको हॉरिजॉन्टली कुछ फोर्स दिया होगा, तुमने फोर्स दिया उसको कुछ ऐसे डायरेक्शन में, तभी वो ऊपर गया, उसमें इनिशियल वेलोसिटी आई। तो ड्यूरिंग दिस मोशन तुम्हारे फोर्स का एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक वर्टिकल कंपोनेंट उस पर लेना होगा क्या? तुमने जैसे जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाया था वो ये था, तभी वो इस डायरेक्शन में थ्रो होकर के गया। तो अब उस फोर्स तुम्हें उसके मोशन को आगे स्टडी करने में क्या उस पर हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकली अपवर्ड एक्सेलरेशन लेना चाहिए? तो आंसर है नो। उस पर केवल क्या लगेगा? डाउनवर्ड ग्रेविटी वाला एक्सेलरेशन जी लगेगा, बाकी कोई फोर्स नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि जब तुमने हाथ से छोड़ दिया, इट हैज़ कम आउट ऑफ योर हैंड, तब उस समय क्या होगा? तब हाथ के कॉन्टैक्ट में तो है नहीं, और हाथ उस पर कोई स्पाइडरमैन की तरह तो फोर्स लगाएगा नहीं कि तुम्हारे हाथ से वो निकल गया तब भी उस पर फोर्स लगा सकते हो। ठीक है, तो जो एक्सेलरेशन उसका होगा ड्यूरिंग दिस प्रोजेक्टाइल मोशन, इट इज विल बी ओनली एंड ओनली ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन विच इज डाउनवर्ड। ठीक है, तो ये दोनों एग्जाम्पल से समझ में आ गया होगा तुम लोगों को। नेक्स्ट देखते हैं इम्पल्स। व्हाट इज इम्पल्स? इम्पल्स है अ लार्ज फोर्स एक्टिंग फॉर अ शॉर्ट टाइम टू प्रोड्यूस अ फाइनाइट चेंज इन द मोमेंटम इज कॉल्ड एन इम्पल्सिव फोर्स। तो हम यहाँ पर इम्पल्सिव फोर्स की बात कर रहे थे। इम्पल्सिव फोर्स एक ऐसा फोर्स होता है जो कि बहुत छोटे से टाइम के लिए लगता है और खुद वो लार्ज फोर्स होता है। ठीक, लेकिन ये डेफिनेशन बड़ी कैसी है? हाँ, कुछ इसमें कुछ कॉन्क्रीट नहीं है। लार्ज फोर्स कोई वैल्यू नहीं बताई कि इससे बड़ा लार्ज फोर्स बोलेंगे या इससे छोटा लार्ज फोर्स बोलेंगे। ठीक, और टाइम शॉर्ट टाइम तो कोई वैल्यू नहीं बताया कि इतने एक सेकंड को हम शॉर्ट टाइम बोलेंगे या वन आवर को शॉर्ट टाइम बोलेंगे। ठीक है, तो ये बड़ा मतलब इसमें तुम इसको बिल्कुल फ्रीली ले सकते हो कि हम किसी भी फोर्स को इम्पल्सिव फोर्स की तरह से ट्रीट कर सकते हैं, बट जनरली हम जो बोलेंगे ये ऐसे मत करना कि हम किसी भी फोर्स को इम्पल्सिव कर दें। ठीक है, मैं बस ये बता रहा हूँ कि डेफिनेशन की अपनी लिमिटेशन है, बहुत अच्छे से डिफाइन नहीं कर रही है। ठीक है, लेकिन एक कॉमन लैंग्वेज की तरह समझो कि हम एक नॉर्मल बोलचाल की भाषा में इम्पल्सिव फोर्स किसको बोलेंगे जो बहुत छोटे से टाइम के लिए लार्ज फोर्स लगता है। फॉर एग्जाम्पल, तुमने कील ठोकने के लिए हैमर से उस पर फोर्स लगाया। ठीक है, तो हैमर उसके कॉन्टैक्ट में बहुत छोटे से टाइम के लिए रहा, तुमने फोर्स लगाया तो उसने सडनली उसको जर्क के साथ उसको फोर्स दिया, दिस इज इम्पल्सिव फोर्स। एक बैट्समैन है, उसने बॉल को हिट किया। ठीक है, तो वो बॉल और बैट का कॉन्टैक्ट बहुत छोटे से टाइम का है और उस पर फोर्स लार्ज लगा है, तो दिस इज एन इम्पल्सिव फोर्स। हाँ, तो यहाँ पर हम इम्पल्स की डेफिनेशन देख रहे हैं। इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम इंटरवल। इसको देखो, लिखो जे हमारा सिंबल होता है इम्पल्स का, इम्पल्स ऑफ अ फोर्स। तो क्या बोला? फोर्स एंड डेल्टा टी, इनका प्रोडक्ट है ये। ठीक है, एंड इज ऑल्सो इक्वल टू चेंज, टोटल चेंज इन मोमेंटम, यानी डेल्टा पी के इक्वल है। ठीक, डेफिनेशन ये है। डेफिनेशन बोलोगे तो प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इन एंड टाइम पीरियड। ठीक है, एंड इट कम्स आउट टू बी इक्वल टू डेल्टा पी। ये देखते हैं कैसे आता है। ठीक, तो मैंने यहाँ पे देखो क्या किया, मैंने अभी एक बार, हमने अभी ये देखा था कि जे इज इक्वल टू एफ डेल्टा टी होता है। यहाँ पे एक चीज़ देखो, जे इज इक्वल टू एफ डेल्टा टी वाला फॉर्मूला कब ट्रू होगा? जब दिस ड्यूरेशन जो है ये ड्यूरेशन के टाइम में फोर्स कॉन्स्टेंट लगाओ। ठीक, अदरवाइज अगर मान लो हमारा सपोज 5 सेकंड का ड्यूरेशन है, उस 5 सेकंड के ड्यूरेशन में फोर्स चेंज हुआ, तो हम यहाँ पे कौन सा वाला फोर्स लिखेंगे? फोर्स तो चेंज हो रहा है। ठीक, तो ये फॉर्मूला तब ट्रू होगा एफ इंटू डेल्टा टी, जब फोर्स कांस्टेंट हो ड्यूरिंग दिस इंटरवल। अगर इंटरवल में कांस्टेंट नहीं है, वेरिएबल फोर्स है, तब क्या करना होता है? तब हम क्या करते हैं, छोटा सा ड्यूरेशन डी टी ले लेते हैं, और उस छोटे से ड्यूरेशन डी टी में फोर्स हम मान लेते हैं कि चेंज नहीं हुआ होगा। ठीक, तो उस थोड़े से में जो जो इम्पल्स लगा उसको हम नाम देंगे डीजे।
ठीक है, डी फॉर स्मॉल एलिमेंट, जैसे डीवी होता है, डीएस होता है, डीएक्स होता है, उस तरह से डीजे, ठीक। और जब हमें टोटल जे निकालना होगा तो हम इस डीजे को इंटीग्रेट कर देंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे, तो यहाँ इंटीग्रेशन लगेगा एफ डी टी पर, ठीक। अब हमें ये प्रूव करना है कि इस डेफिनेशन से देखें या इस डेफिनेशन देखें से देखें, हमें प्रूव करना है कि जो इम्पल्स है वो चेंज इन मोमेंटम के इक्वल है। बहुत इजी है, कुछ रटने की जरूरत नहीं है, तुम बस इस स्टार्टिंग डेफिनेशन से चलते चले जाओ। क्या करो, फोर्स को लिख दो एम ए, ठीक। ए को लिख दो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल, टाइम इंटरवल कैंसिल हो गया, क्या आ गया एम इंटू वी फाइनल माइनस एम इंटू वी इनिशियल। ये क्या है, ये पी फाइनल मोमेंटम, ये क्या है इनिशियल मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम हो गया, ठीक। तो जे इक्वल्स टू चेंज इन मोमेंटम आ गया। इंटीग्रेशन से देखोगे तो भी देख लो कैसे होगा, तो ये हमारा एफ डी टी है इंटीग्रेशन। मैंने एफ को क्या लिख दिया, एम ए लिख दिया, और ए इंटू डी टी क्या होगा, जरा याद करो, मैं जरा यहाँ रफ वर्क कर रहा हूँ, जरा याद करो ए की डेफिनेशन क्या थी, डी वी बाई डी टी थी, ठीक। तो मैं यहाँ से डी वी इज इक्वल्स टू ए डी टी लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, तो वही किया मैंने यहाँ पर, ठीक है। ए डी टी यहाँ पर आया, ए डी टी को मैंने लिख दिया डी वी, ठीक, ये डी वी यहाँ पर लिख दिया, ठीक, डी वी। अब इस डी वी का क्या करें, तो एम तो कॉन्स्टेंट है, बाहर निकाल सकते हो, या एम को डी वी में मल्टीप्लाई करके डी पी लिख दिया, ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो कि ये हमारा चेंज इन मोमेंटम हो गया, ठीक। अब ये डी पी का क्या हुआ, इंटीग्रेशन जब किया तो यहाँ पे तो वन है, जब कुछ नहीं होता तो यहाँ वन मानते हैं, वन का इंटीग्रेशन क्या हुआ, पी हुआ, पी पर तुमने लिमिट लगा दी तो पी फाइनल माइनस पी इनिशियल हो गया, विच इज चेंज इन मोमेंटम, ठीक। तो चाहे वेरिएबल फोर्स हो या कॉन्स्टेंट फोर्स हो, हमारा इम्पल्स क्या होगा, इम्पल्स विल बी चेंज इन मोमेंटम, ठीक। नेक्स्ट आ जाओ, ग्राफिकल कैलकुलेशन ऑफ इम्पल्स। तो तुमने अभी देखा कि जे हमने डी जे इज इक्वल्स टू बोला था एफ डी टी, ये एफ डी टी क्या चीज़ है, ये है छोटा सा एरिया। अगर मेरा ये ग्राफ है एफ वर्सेस टी का, ठीक है, एफ वर्सेस टी का, और यहाँ पर मैं एक छोटा सा टाइम इंटरवल डी टी ले लूँ, ठीक है, एक ले लिया इंटरवल डी टी। अब इस डी टी में तुम देखो कि ये जो हाइट है ये तो फोर्स है ना, हमारा फोर्स का ग्राफ है ये, तो ये फोर्स है, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, इसका एरिया हो जाएगा एफ इंटू डी टी, विड्थ इंटू हाइट, ठीक है। तो हाइट हो गई फोर्स, फोर्स के इक्वल हाइट है, और डी टी हमारा विड्थ है, तो ये क्या है एफ इंटू डी टी, तो हमने अभी डिफाइन किया था पहले, ये तो डी जे होता है, ठीक। अब इसको इंटीग्रेट कर दोगे तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन करने से अगर तुमको मान लो ये पूरा एरिया लेना होगा तो ये पूरा एरिया क्या डिफाइन करेगा, ये वो करेगा इम्पल्स, और इम्पल्स क्या होता है चेंज इन मोमेंटम, ठीक। तो मैंने जैसे ये ऊपर वाला डायग्राम देखो, इस डायग्राम में टाइम टी वन से लेकर के टाइम टी टू तक का एरिया लिया है, तो ये इस इंटरवल का इम्पल्स भी है एंड चेंज इन मोमेंटम भी है, ठीक है। तो दिस एरिया रिप्रेजेंट इम्पल्स एंड चेंज इन मोमेंटम, ठीक। तो इस तरह से हम एफ टी ग्राफ के एरिया को एक फिजिकल मीनिंग दे रहे हैं, ठीक। नेक्स्ट देखो, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ इम्पल्स, क्या है प्रैक्टिकल इम्पल्स एप्लीकेशन में, नंबर वन, व्हेन वी कैच द बॉल मूविंग एट ए हाई स्पीड वी लोअर अवर हैंड। क्या करना है देखो, अगर मैं देखूं एफ इज इक्वल्स टू डेल्टा पी बाई डेल्टा टी है, ठीक है, तो अब तुम्हें सपोज तुम बॉल को कैच कर रहे हो, तुम्हें जो चोट लगेगी वो किस बात पर डिपेंड करेगी, चेंज इन मोमेंटम पर, सपोज स्पीड उसकी बहुत ज़्यादा थी जब आ रही थी तुम्हारे हाथ में हिट करने से जस्ट पहले, उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा थी और तुमने रोक लिया तो जीरो स्पीड हो गई, तो चेंज इन मोमेंटम ज़्यादा होगा तो ज़्यादा चोट लगेगी, या फोर्स ज़्यादा लगेगा तो ज़्यादा चोट लगेगी, ज़्यादा इंपॉर्टेंट इनमें से कौन सी चीज़ है, तो आंसर है फोर्स। तुम जितना फोर्स बॉल को रोकने के लिए बॉल पर लगाओगे उतना ही बॉल तुम्हारे ऊपर लगाएगी, ठीक है। तो हमारे ऊपर जितना फोर्स लगता है हमें उतना ज़्यादा हर्ट होता है, ठीक। तो पहला पॉइंट, व्हेन वी कैच अ बॉल मूविंग एट ए हाई स्पीड वी लोअर अवर हैंड। तुमने देखा ना फील्डर्स जब कैच करते हैं तो वो अपने हाथ को पीछे की तरफ खींच लेते हैं ड्यूरिंग दैट कॉन्टैक्ट, ऐसा नहीं कि वो, अगर सपोज कोई इनएक्सपीरियंस पर्सन होगा तो क्या करेगा, वो अपना हाथ अपना स्टेशनरी रखेगा, बॉल आएगी उसके हाथ पे हिट करेगी, उसको चोट भी लगेगी और बॉल पॉप आउट कर जाएगी, वापस उछल के बाहर निकल जाएगी, ठीक है। तो ऐसा नहीं, एक्सपीरियंस्ड क्या करते हैं प्लेयर्स, वो उसको हाथ में ला करके और हाथ में जिस समय वो आ रही होती है, जब टच हुआ, जस्ट अभी टच हुआ है, तो वो उसको सॉफ्टली अपने हाथ को पीछे करते हुए ले लेते हैं। इससे क्या होता है, इससे देखो तुम्हारा डेल्टा पी तो एक फिक्स है, बॉल आ रही है उसकी अपनी वेलोसिटी है, उसको तो तुम कुछ कर नहीं सकते, तुम्हें उसको रोकना है, फाइनल वेलोसिटी भी जीरो है, ठीक। तो चेंज इन मोमेंटम तुम्हारे हाथ में नहीं है, लेकिन डेल्टा टी तुम्हारे हाथ में, तुम कितना टाइम लगाते हो उसको कैच करने में, जितना डेल्टा टी को इंक्रीज करोगे उतना फोर्स डिक्रीज होगा,
ठीक है, तो उतना फोर्स डिक्रीज होकर के तुमको उतना कम चोट लगेगी। ठीक, तो पहला ये हो गया लोअरिंग ऑफ अवर हैंड, तुम एक्सप्लेन कर लोगे। दूसरा, व्हेन वी फॉल ऑन अ सीमेंटेड फ्लोर, चोट ज़्यादा लगती है, मोर देन दी फॉलिंग ऑन मड फ्लोर और हीप ऑफ अ सैंड। ठीक है, बालू के ढेर पे गिरोगे या मड फ्लोर पे गिरोगे तो उतना फोर्स, उतना चोट नहीं लगती। आंसर वही है कि जो सॉफ्ट चीज़ होती है उस पर हम गिरते हैं तो टाइम बढ़ जाता है और फोर्स कम हो जाता है। चाइना वेयर, ग्लास और सिरेमिक पॉट्स आर पैक्ड इन स्ट्रॉ पेपर। ठीक है, तुमने देखा होगा कि अगर जब नए नए बर्तन आते हैं, ठीक है, सिरेमिक है, ग्लास का है, तो उसको खोलोगे तो उसमें कुछ पेपर फिल्ड होते हैं, ठीक है, चाहे वो अखबार भरे हुए हों या कुछ घास फूस हो, ठीक है, इस तरह का कुछ उसमें होता है जो कि सॉफ्ट, उसको जब भी जब ट्रांसपोर्टेशन में वो टूटे नहीं उसके लिए, तो वहाँ पर भी वही है कि वहाँ पर अगर इनकेस दो बर्तन उसमें टकराते हैं तो उनके बीच में वो जब कुछ भरा होगा तो वो डेल्टा टी को इंक्रीज़ कर देगा और फोर्स को डिक्रीज़ कर देगा। ठीक है, तो ये तो हमारे इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हुए जिसमें कि हमने न्यूटन्स लॉ के सारे कॉन्सेप्ट देखे। अब इसके बाद हम लोग का जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे और कुछ और भी कॉन्सेप्ट देखेंगे, जैसे हमारा लॉ एक होगा फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, जब हम सेकेंड लॉ अप्लाई करते हैं तो उसमें कई बार कन्फ्यूजन होता है जब बड़े क्वेश्चंस होते हैं तो। ठीक है, तो ये सारा हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे और तुम लोग बताना इसमें कैसा लगा ये लेक्चर। ठीक है, ओके।